हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेडेलाफिल या सिंडेलाफिल को कैसे ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं, किसके साथ लेना बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि आप अपने लिंग में इरेक्शन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, मैंने 11 इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं जिसको आप फॉलो करके अपने इरेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप भी ये इंपॉर्टेंट टिप्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्क ऑफ दिस मेडिसिन, सबसे पहले सिंडेलाफिल या टेडेलाफिल के वर्क की बात कर लेते हैं। ये टैबलेट किस काम आती है? अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, टेडेलाफिल या सिंडेलाफिल टैबलेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में काम आती है। अगर आपके लिंग में तनाव या हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ये टैबलेट हार्ड इरेक्शन में हेल्प करती है। इस टैबलेट का काम आपके लिंग में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना होता है जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है और आप देर तक संबंध बना पाते हैं। तो अब बात करते हैं टेडेलाफिल या सिंडेलाफिल टैबलेट को कैसे ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं, किसके साथ लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। सबसे पहले जानते हैं पानी के साथ लेने से क्या होता है। टेडेलाफिल या सिंडेलाफिल को पानी के साथ लेने से ये टेबलेट आपकी बॉडी में अच्छे से और बहुत फास्ट ऑब्जर्व्ड होती है। वैसे अगर दोनों टेबलेट की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो सिंडेलाफिल जल्दी आपकी बॉडी में ऑब्जर्व्ड होती है टेडेलाफिल की तुलना में, बट सिंडेलाफिल जितना जल्दी आपकी बॉडी में ऑब्जर्व्ड होती है उतना ही जल्दी बॉडी से बाहर हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी असर खत्म हो जाता है। वहीं टेडेलाफिल टैबलेट लेट से ऑब्जर्व्ड होती है पर एक वीक तक असर दिखाती है। अब बात करते हैं इस टैबलेट को दूध के साथ लेने से क्या होता है। वैसे तो दूध लिक्विड होते हुए भी फूड की तरह काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन की प्रॉपर्टी इसे और भी हेल्दी बनाते हैं। पर क्या इतना हेल्दी होने के बावजूद ये इस तरह की टैबलेट के साथ बेस्ट असर देता है? तो इसका जवाब है नहीं। दूध अपने अंदर समाये कई गुण रखने के बावजूद टेडेलाफिल या सिंडेलाफिल के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाता है और ज़्यादा मात्रा में लेने से टैबलेट के असर पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। टैबलेट लेने के वक्त अगर दूध को पानी जितना ही लेते हैं तो ठीक है, ये कोई भी बैड इफेक्ट नहीं देता है। लेकिन अगर आप इसे एक गिलास दूध या इसे भी ज़्यादा दूध के साथ लेते हैं और सोचते हैं कि इस टैबलेट का असर दोगुना हो जाएगा तो आप गलत हैं। अगर आप इसे एक गिलास दूध या इससे ज़्यादा मात्रा के साथ लेते हैं तो ये टैबलेट आपकी बॉडी में बहुत देर से ऑब्जर्व्ड होती है और देर से असर दिखाती है, या ये भी हो सकता है कि टैबलेट का असर ही ना हो। इसलिए ज़रूरी है आपको जानना कि आप इस टैबलेट को कैसे लेते हैं। इसलिए इस तरह की टैबलेट को खाना खाने के 2 से 3 घंटे पहले ही लेना चाहिए या खाली पेट लेना चाहिए ताकि ये टैबलेट आपकी बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व्ड हो और जल्दी असर करे। टेडेलाफिल या सिंडेलाफिल दोनों ही टैबलेट PDE5 इनहिबिटर फैमिली की मेडिसिन है जो एंजाइम को ब्लॉक करके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है और जल्दी असर दिखाती है। तो कंक्लूजन यही है कि आप इस तरह के टैबलेट को पानी के साथ ही लीजिए, बेस्ट रहेगा, आपकी बॉडी में जल्दी ऑब्जर्व्ड होगा और जल्दी असर दिखाएगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध के साथ लेने से ये आपके टाइम को डबल भी नहीं कर सकता है और ना ही बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। अगर आप फिर भी दूध के साथ लेना चाहते हैं तो एकदम पानी जितना ही लीजिए जो गले से टैबलेट को पास करने में सिर्फ हेल्प करे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि आपको किसके साथ लेना बेस्ट होगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।